दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास नए टेक न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और चलिए सबसे पहले बात करते हैं जियो के बारे में। रिलायंस ने जियो फाइबर कॉम्बो प्लान लॉन्च किया है जो एक वीक की वैलिडिटी के साथ में आता है और इसमें आपको मिलता है तकरीबन 1 TB का डेटा। वैसे इसका प्राइसिंग है 199 रुपीज़, लेकिन GST के साथ में ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन 235 रुपीज़ के आसपास। इसमें आपको 100 Mbps का स्पीड मिलने वाला है और 1 TB का डेटा मिलने वाला है। ये जो जियो फाइबर 199 कॉम्बो प्लान है, इसे आप दूसरे जियो फाइबर प्लान्स जो आप उपयोग कर रहे हैं उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्लान के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया प्लान है, खास करके लॉकडाउन का समय है और काफ़ी लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो है वो घर से भी काम कर रहे हैं। आपका काम भी जल्दी होगा अगर आपके पास कोई फास्ट कनेक्शन होगा तो। दोस्तों, अगर आपको पबजी गेम पसंद है तो मैं आपको बता दूं कि पबजी का एक नया मोड आने वाला है जिसका नाम है कोल्ड फ्रंट सर्वाइवल और ये 16 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, मतलब कि एक्टिव होने वाला है। अब जो गेम प्ले है जैसे पबजी का होता है वैसा ही होता है, लेकिन इस गेम मोड में आपको कुछ नए डिवाइसेस उपयोग करने का मौका मिलता है, जैसे कि ड्रोन्स का उपयोग करके आप सर्वेलेंस कर पाएंगे। और इसके अलावा जो कोल्ड वेदर है उसमें भी आपको सर्वाइव करना है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, खास करके अगर आपको पबजी गेम पसंद है तो। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल को ये जो मोड है आप पबजी गेम में देख पाएंगे। ओप्पो का अगला स्मार्टफोन A2, इसके बारे में काफ़ी जानकारी लीक हो चुकी है और इसका जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ऐसा कहा गया है कि ये जो हैंडसेट है इस पर एमोलेड डिस्प्ले होगा 6.5 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है और इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। ये कलर OS 7 रन करने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स और जो रैम और रोम है बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब कि 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज स्पेस। इस हैंडसेट की खासियत यह है कि ये 4000 mAh की बैटरी के साथ में आने वाला है, बिल्ट इन बैटरी होगी और ये 65 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा 40 W वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करने वाला है। इस हैंडसेट पर क्वाड कैमराज होंगे, हमें इंतज़ार करना होगा, देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है कब इंडिया में लॉन्च होता है और इसका प्राइसिंग इंडिया में क्या होने वाला है। वैसे चाइना में इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ये है तकरीबन 46,000 के आसपास। और दोस्तों, इसका एंटीड्यू स्कोर भी लीक हो चुका है, इसका एंटीड्यू स्कोर है तकरीबन 6,27,000 के आसपास, जो कि काफ़ी बढ़िया है। iQOO 3 Neo, इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स पिछले न्यूज़ में शेयर किया था। वैसे जो स्मार्टफोन है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है इसके बारे में, वो ये है कि ये जो हैंडसेट है इस पर 144Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले का उपयोग किया जाएगा। आगे चल के जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं जिनमें पावरफुल हार्डवेयर का उपयोग किया गया है उनमें ज़्यादा करके आपको जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा ही मिलने वाला है। 144 फिलहाल तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में कब लॉन्च होता है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा सैमसंग का S वॉइस असिस्टेंट सिस्टम जो है ये सैमसंग क्लोज करने वाला है, मतलब कि इसे आगे चल के अपडेट या डेवलप नहीं करने वाला है। वो इसलिए है क्योंकि सैमसंग प्योरली बिग्सबी में शिफ्ट करने वाला है और वैसे भी दो इस प्रकार के वॉइस असिस्टेंट सिस्टम्स को रखकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। वैसे बिग्सबी जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बिग्सबी से आप वॉइस कमांड्स भी दे पाएंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता है S वॉइस को कंटिन्यू करने का। अगला न्यूज़ भी सैमसंग की तरफ से है। अगर आपको याद होगा सैमसंग ने अपना फोल्ड स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया था, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो फोल्डेबल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स हैं इन्हें और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इनफैक्ट अब सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 भी लॉन्च करने वाला है, जल्दी लॉन्च करने वाला है और ऐसा कहा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 का जो नया डिज़ाइन है ये अप्रूव हो चुका है और जल्दी इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू होने वाला है। देखते हैं कि जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का जो नेक्स्ट वेरियंट होगा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 वो कितना यूजेबल होगा। दोस्तों, नोकिया का अगला स्मार्टफोन नोकिया 9.3, जिसके बारे में मैंने हाल ही में जो टेक न्यूज़ है उसमें बताया था, उसके बारे में एक और खबर आई है कि ये जो नोकिया 9.3 स्मार्टफोन होगा इसमें 108 MP का कैमरा होगा, प्राइमरी कैमरा, और ऐसा हो सकता है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन पेंटा कैमरा सेटअप हो सकता है इस स्मार्टफोन पर। लेकिन ये जो 108 MP कैमरा जो है ये काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। सैमसंग OLED स्क्रीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अब सैमसंग एक नए स्क्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है QD OLED, और ये जो QD OLED स्क्रीन है ये OLED स्क्रीन से काफ़ी बेहतर होने वाला है।
तो दोस्तों टेक न्यूज़ में इतना ही। अब मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ जो आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा और कमेंट्स में भी देखा होगा। काफ़ी जगहों पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए और ख़ास करके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उन्हें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये कह रहे हैं शायद उनको नॉलेज नहीं है मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, किस प्रकार से ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये मैन्युफैक्चर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं है कि किस प्रकार से दुनिया भर में बिज़नेस होता है। अब देखिए एप्पल जो कंपनी है ये कैलिफोर्निया बेस्ड है, लेकिन ये अपने जो आईफोन्स हैं ये चाइना में मैन्युफैक्चर करता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और यही कारण है कि मेड इन चाइना का स्टैम्प भी उस पर लगता है। ठीक वैसे ही शाओमी हो या फिर रियलमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, ये जो कंपनीज़ हैं ये भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो ब्रांच है वो इंडिया में खोला हुआ है। इंडिया में ये स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ हद तक, मतलब कि ज़्यादा करके असेंबलिंग हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इंडिया में हो रहा है। आगे चल के ऐसा हो सकता है कि सारा जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, लेकिन उसके लिए समय लगने वाला है। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट्स भी हो रहा है। और इसके अलावा उदाहरण के तौर पे इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाएगा आगे चल के। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें, ये ज़्यादा करके चाइनीज़ प्रोडक्ट का ही उपयोग कर रहे हैं और ज़्यादा करके ये जो अकाउंट्स होते हैं ये फेक अकाउंट्स होते हैं और ज़्यादा करके ऐसे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं लेकिन अनसब्सक्राइब की धमकी देके जाते हैं। तो दोस्तों आज की तारीख में आप कोई भी चीज़ को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक अल्टरनेटिव होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग नहीं करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इकोनॉमी पर इसका कितना फ़र्क पड़ने वाला है। और वैसे भी ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं वो चाइना में ही बनते हैं। एप्पल स्मार्टफोन्स को अगर आप ले लें, आईफोन्स ये भी चाइना में बनते हैं, लेकिन अभी इंडिया में भी बनना शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक शाओमी और रियलमी स्मार्टफोन्स का सवाल है ये इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कॉम्पोनेंट्स जो है वो चाइना से आते हैं। और मे बी इक्का दुक्का कंपनीज होंगी जो थाईलैंड या फिर कोरिया में जो स्मार्टफोन्स है उसे डेवलप कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, लेकिन उन स्मार्टफोन्स में भी कुछ ना कुछ पार्ट होगा जो चाइना से आता होगा। जो लोग लेजी होते हैं वो ही बॉयकॉट का सजेशन देते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करें ताकि यूज़र्स को ऑप्शन मिले। फिलहाल कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो भी मोबाइल फ़ोन्स की अगर आप बात करें ज़्यादा करके चाइना से ही आते हैं। तो जब तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा तब तक हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तब कोई भी चाइना से प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है, इंडिया से ही खरीदने वाला है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी के पास अपना खुद का बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, मतलब कि ये जो जैकेट है ये बाहर से इम्पोर्ट होता था, लेकिन आज की तारीख में ये जो जैकेट है ये इंडिया में बन रहा है और इंडिया से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर इंडिया अपना खुद का बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है, जाहिर है जो इंडियन आर्मी है वो इंडिया का ही बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग करने वाली है। तो ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तब तक हम दूसरे चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट कभी खरीदने वाले नहीं हैं या जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उन्हें बॉयकॉट करने वाले हैं, ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं ये भी किसी ना किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट से ही कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ये जो बॉयकॉट का जो चीज़ है ये सिर्फ वही करते हैं जो लेज़ी किस्म के हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।